एसआरके ग्रुप की तरफ से निकाली जा रही यात्रा के दौरान किरण चौधरी व अन्य नेताओं को पहनाते समय बड़ी माला टूटी। वहीं दूसरी तरफ तो शाम में जहां खुद विधायक है किरण चौधरी, वहां रैली के दौरान लगभग 60% कुर्सियां खाली दिखाई दी। इसे शुभ संकेत माना जाए या अशुभ, क्या कहेंगे आप? भिवानी के घंटाघर पर आयोजित स्वागत समारोह में किरण चौधरी व श्रुति चौधरी मेरा गढ़ अपना गढ़ कहती जरूर नजर आई, लेकिन अपनों के बीच आने से गुरेज ही रखा। बड़ी गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर लोगों को रिझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता फूल यहां तक कि चांदी का रथ देने को खड़े रहे, परंतु लेने उनके बीच नहीं पहुंची। भिवानी यात्रा के दौरान आइए आपको झलकियां दिखाते हैं जहां यात्रा की असफलता नजर आएगी। राजनीतिक
योद्धा कोई बना सकता है? भगवान राम को क्या एक पार्टी सर्टिफिकेट दे सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ही करे तो ही भगवान राम का नाम ले, आर एस एस कहे तो ही भगवान का नाम ले? तो साथियों, राम का नाम तो हम सुनते हुए लेते और ना भारतीय जनता पार्टी ने उसको सुनाया। आज के दिन मुद्दा क्या? आज के दिन मुद्दा है बेरोजगारी का। भिवानी अच्छी तरह से जानता है, भिवानी में हमारे कितने वीर सैनिक रहे। फौज में जाता है यहाँ का नौजवान, बहादुर जवान, लेकिन आज के दिन उसको फौज में जगह नहीं है। उसको अग्नि ही नाम से उसके साथ वीर घोषणा किया जाता है। कुछ मन पर हमला बोला, ये वो लोग हैं जिन्होंने चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह जी द्वारा विकास की जो इमारत खड़ी की थी, आज उसके ऊपर हमला बोला। ये वो लोग हैं जिन्होंने विकास के पहिए पर प्रतिबंध लगा दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बच्चों के मुंह का निवाला छीन लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने नौजवानों के हुनर का कत्ल किया। अब समय आ गया है इनको वोट की चोट से जवाब देने का। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत स्वार्थ की नहीं, हमारी लड़ाई सत्ता और व्यवस्था दोनों परिवर्तन की है। और भिवानी के इस पवित्र, भिवानी के इस मशहूर घंटाघर चौक पर, पंडित नेकीराम शर्मा चौक पर आज हम आपको एक ही आह्वान करने आए कि सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के अंदर आप भागीदार बन जाइए। जिस दिन 10 सांसद, जिस दिन भिवानी महेंद्रगढ़ सहित 10 सांसद कांग्रेस पार्टी के चुनकर चले जाएंगे, उसी दिन हरियाणा के अंदर भी राज परिवर्तन हो जाएगा। देश भी बदलिए, प्रदेश भी बदलिए, आइए एक नई शुरुआत करिए। सफलता पर होगा अब आपका भी हक, गुरु कृपा के संग दीजिए करियर की उड़ान को नए पंख, प्रतिभा को परखने का नया अवसर। जी हाँ, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल देगा आपके बच्चे के करियर को उड़ान। आपके बच्चों के लिए एक खास सेशन 2024-2025 के लिए 4 फरवरी को होटल मुबारक नजदीक हांसी रोड बासिया भवन पहुँचे। मौका 90% स्कॉलरशिप व कैश इनाम अपने नाम करने का। हमारा मोबाइल नंबर है 8875016471। गुरु कृपा स्कूल कोचिंग के साथ साथ प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन कोर्स कराने जा रही है। हम भिवानी में मुबारक होटल के पास इन सभी बातों की जानकारी के लिए 4 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक आप गुरु कृपा पब्लिक स्कूल की पूरी जानकारी के बारे में मेरे से मिल सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8887501641। आप इस नंबर पर मेरे से हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक। स्कॉलरशिप की भी सुविधा देने जा रही है, 90% से एवव स्कॉलरशिप प्लस कैश प्राइज। जिन बच्चों पर डिपेंड करेगा बच्चों के मार्क्स पर, जो गुरु कृपा एग्जाम लेती है ऑन द स्पॉट। मैं अभिभावक से अनुरोध करूंगा कि इस जानकारी के लिए एक बार आप हमसे जरूर मिले। मुबारक होटल 4 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर फिर से मैं बोल रहा हूं 8875016471।